हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं वो आज आने वाले हैं। आज यहाँ पे पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर जो क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, क्या सच में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, प्रोविजंस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, और ओवरऑल जो बिज़नेस है यस बैंक का वो कैसा रहने वाला है आज यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू यस बैंक के प्रीव्यू दिखाने वाला हूँ, यानी कि जो एनालिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके अकॉर्डिंग यस बैंक में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर जब इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ जाएंगे तब उससे आप कंपेयर भी कर सकते हो कि आखिर जो रिसर्चर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सच में अनुमान उनका सही होता है या फिर नहीं। अब अगर हम कल के बारे में बात करें तो कल 2% के आसपास का मूवमेंट बन गया था, यानी कि मार्केट जो है वो अभी तक एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठा हुआ है कि यस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो पिछली बारी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, जिस वजह से जो शेयर में मोमेंटम बना वो पॉजिटिव वे में बना, सेंटीमेंट्स जो बने हैं वो अभी तक तो पॉजिटिव ही बने हैं। एक टाइम पे 18 रुपये 20 पैसे तक शेयर जो है वो जा चुका था, अपना हाई बनाया, 18 रुपये 5 पैसे पर जो है वो क्लोजिंग दी, करीबन 2% के आसपास का मूवमेंट था। सबसे अच्छी बात अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है कि कल के दिन करीबन करीबन 30 करोड़ का वॉल्यूम आया है, जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम माना जाता है। उससे पहले एक दिन पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, यानी कि 26 में भी 4 करोड़ का और इजाफा हुआ और 30 करोड़ पर जो फ्राइडे का दिन है वो वॉल्यूम देखने को मिला। एक हफ्ते में 17 करोड़ एक महीने में 16 करोड़ का एवरेज है, यानी कि एवरेज से लगभग लगभग दुगना वॉल्यूम अब आपको देखने को मिला है। और मंडे को तो हो सकता है आपको बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल जाए, क्योंकि तब तक यस बैंक के जो नंबर्स हैं वो आ चुके होंगे और चीज़ें भी सामने आ चुकी होंगी पूरी तरीके से। एक बारी मैं जल्दी से आपको ये और दिखा देता हूँ कि अभी तक कैसा कुछ रहा है। आप पिछला हफ्ता देख पाओगे 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, और इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है और मोमेंटम भी शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा बना है। यानी कि पिछले पांच, अगर हम यहाँ पे पिछले जो पांच ट्रेडिंग सेशन देखते हैं उनमें से 3 ट्रेडिंग सेशन में तो मोमेंटम पॉजिटिव ही बना है, 2 में आपको नेगेटिव जरूर देखने को मिल। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ कि आखिर जो रिसर्चर हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। न्यूज़ आपके सामने लगी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यस बैंक से, वो नेट इंटरेस्ट इनकम में एक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वहीं अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई उतनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें। इस न्यूज़ को अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो, आप सभी को पता है कि सैटरडे यानी कि आज के दिन आपको यहाँ पे इनके क्वार्टर वन के नंबर्स देखने को मिलेंगे, और जिस अकॉर्डिंग अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है एक मिक्स्ड नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो, ऐसा नहीं है। मिक्स नंबर देखने को मिलेंगे कि एक जगह आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखेगा तो एक जगह आपको थोड़ा सा नेगेटिव जरूर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं जो हाईलाइट रहेंगी इस रिज़ल्ट की, वो रहेगी प्रोविजनिंग के फिगर। आप सभी को पता है, हम लोग ऑलरेडी बोलते हुए आ रहे हैं कि प्रोविजनिंग ही सबसे बड़ी दिक्कत है अभी इस टाइम पे यस बैंक के, तो प्रोविजनिंग के फिगर सबसे ज़्यादा जो है हाईलाइटेड फिगर्स रहेंगे। अर्निंग गाइडेंस कितनी रहने वाली है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है अभी जब इन्फोसिस ने अपने अर्निंग गाइडेंस को कम शो किया है तो उसके बाद से क्या हालत हुई है उसके शेयर की, वो आप सभी के सामने है। फिर मार्जिन्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको ग्रो करते हुए नज़र आ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक फ्लैट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 10 बीप से कम हो सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और वहीं जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 700 से 730 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी एक ठीक ठाक से नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने बोला है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 6% से बढ़ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो ओवरऑल ये नंबर्स हैं वो उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखाई देते, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग और बैंक्स का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर केवल 6% की ग्रोथ देखने को मिली तो वो एक वीक परफॉर्मेंस में चला जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एक और सेगमेंट रहने वाला है रिटेल और MSME का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोटक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से करीबन करीबन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 1969 करोड़ पर जा सकती है, 6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ सकती है, वहीं 6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 729 है, पहली एक्सपेक्टेशन आई थी 700 से 730, इन्होंने भी लगभग उसी के आसपास बताया, जिसमें 24% का अपसाइड और 18% का डाउनसाइड ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनके अकॉर्डिंग रहने वाला है 299 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48% बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार का फिगर बहुत ही कम आया था, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे इतनी भी प्रॉफिट अगर आई तो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस से 4% कम होगी। फिर अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं नोवामा के बारे में, तो इन्होंने भी बोला है कि ये जो नंबर्स आएंगे वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब एवरेज नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग नेट इंटरेस्ट इनकम 2020 करोड़ रहेगी, जो कि करीबन 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नज़र आ सकता है, 4% डाउनफॉल नज़र आ सकता है। मार्जिन भी 10 बिप्स से स्लिप हो सकते हैं, और जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 710 करोड़ के आसपास आ सकती है, वहीं अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनके अकॉर्डिंग 210 करोड़ है, कोटक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ सकता है 299 करोड़, इनके अकॉर्डिंग 210 करोड़, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे देख ही पाओगे। वहीं अगर हम बात करें कि ICICI क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने बोला है कि करीबन 2074 करोड़ के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी, जो कि करीबन 12% से बढ़ती हुई नज़र आएगी वाई ऑन वाई बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली कम है। इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 590 ही करोड़ है, इन्होंने काफ़ी कम यहाँ पे फिगर एस्टिमेट किया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा बताया, 310 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो आपके सामने देखने को मिल रहा है, थोड़ी देर में काफ़ी हद तक क्लियर हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाने चाहिए तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि यहाँ से जब मैं क्वार्टर वन के एग्जैक्ट नंबर्स आपको दिखाऊंगा तो आपको कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आखिर जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे और जो रियलिटी है वो क्या कुछ रही है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, वेट करते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स का और यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।